नमस्कार, मैं प्रिया। आज 12 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नहीं होगा बिजली संकट। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर करनी पड़ेगी पढ़ाई। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान 34 जिलों में होगी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। शिक्षकों की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आई अच्छी खबर। जातिगत जनगणना को लेकर उपचुनाव के बाद होगा निर्णय। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नहीं होगा बिजली संकट। देश समेत बिहार में बिजली संकट आने की खबर सामने आ रही थी। इसी बीच अब सीएम नीतीश ने बिहार में बिजली संकट की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि बिहार में कोई बिजली संकट नहीं है। जनता दरबार कार्यक्रम के समापन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि ये सच है कि बिहार में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसी के कारण समस्या हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि बिहार में बिजली की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार दूसरे जगहों से ज्यादा दामों में बिजली खरीद रही है। पिछले दिनों बिजली उत्पादन में कमी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बिहार के शेर शाह सूरी मकबरे में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के सासाराम इलाके में शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में जाना जाता है और ये दिवंगत सम्राट शेर शाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, स्तंभ, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। पटना हाईकोर्ट को मिले 3 और नए जज। पटना हाईकोर्ट को बीते दिन 3 और नए जज मिल गए हैं, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या 24 पर पहुंच गई है, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस पीबी बजनर्थी और राजस्थान हाईकोर्ट के जज संजीव प्रकाश शर्मा का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में हो गया है। इससे पहले गुरुवार को 2 नए जजों का शपथ ग्रहण भी हुआ था। इसको लेकर केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बताया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने इनके स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए अमानुल्लाह का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी किया गया है। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर करनी पड़ेगी पढ़ाई। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और अक्सर उसका उल्लंघन करते ही रहते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, जिसके तहत अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हां, आपने सही सुना। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। एक बार प्रशिक्षण पूरा हो जाए उसके बाद ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ी के अन्य कागजात मिलेंगे। अभी ऐसा सिर्फ राजधानी पटना में ही है। बिहार में चलेंगे 9 से ज्यादा राज्यों के हुनरमंद लोग। बिहार में जल्द ही झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम सहित 9 राज्यों के हुनरमंद लोग दिखने वाले हैं। इंडिया स्किल्स 2021 के तहत 9 राज्यों के क्षेत्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार करने वाला है। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, अंडमान और निकोबार, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के 300 प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। ये प्रतिभागी 42 तरह के कौशल में हुनर दिखाएंगे। 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। फिर 23 अक्टूबर को बापू सभागार में इसका समापन किया जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 44 प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और 19 तरह के कौशल में हुनर दिखाएंगे। बिहार में बाघ देखना हो तो आए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर आप भी बिहार की खुली वादियों और प्रकृति का सौंदर्य देखना चाहते हैं तो आपको बस 15 अक्टूबर तक का इंतजार करना है, क्योंकि 15 अक्टूबर से ही बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद अब कोरोना महामारी के लंबे समय के बाद वीटीआर में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। वीटीआर के भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए वन महकमा नया टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें पटना से वाल्मीकि नगर तक सैलानियों के लिए आसान सफर का पैकेज रखा गया है। वीटीआर घूमने वाले सैलानियों को इस टूर पैकेज के शुरू होने से सहूलियत मिलेगी। यात्रा के दौरान सैलानियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रस्तावित मार्गों में शामिल सभी आवश्यक सुविधा वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार होगी। इसके साथ ही यहां 22 अक्टूबर से इको टूरिज्म पैकेज की शुरुआत भी होने जा रही है। शिक्षकों
की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आई अच्छी खबर। शिक्षकों की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के दूसरे चरण की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पंचायत चुनाव के बाद कराई जाएगी, जिसके बाद अब तकरीबन 10,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने 11,000 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराने संबंधी स्केड्यूल को जारी कर दिया है। ये सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं जिसकी काउंसलिंग हुई है, जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे, जिसके बाद 17 दिसंबर के बाद काउंसलिंग का काम किया जाएगा। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान 34 जिलों में होगी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां चालू है और जल्द ही मां का पट भी खुलने वाला है। यही कारण है कि बिहार में जगह जगह पर भीड़ जमा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि भले ही इस बार सरकार ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी हो, लेकिन पंडाल लगाने की अनुमति दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दुर्गा पूजा के समय में 34 जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने का फैसला किया गया है। बिहार को अर्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां भी मिली है। रैपिड एक्शन फोर्स की इन कंपनियों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के साथ ही 19 को अतिरिक्त बलों की वापसी हो जाएगी। अवर सेवा आयोग ने की प्रवर्तन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों की घोषणा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रवर्तन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत बीपीएसएससी एसआई भर्ती 2019 की मुख्य परीक्षा में कुल 1493 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। बीपीएसएससी की एसआई भर्ती की मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके बाद अब बीपीएसएससी एसआई भर्ती की इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पीईटी में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के स्केड्यूल के बारे में अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर देखकर भौचक्का रह गए सीएम नीतीश। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करवाया था। इस दौरान उन्होंने शरण में आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला भी सीएम नीतीश के सामने आया। शिवहर से आए एक शख्स ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम लड़का है और हमारे सर्टिफिकेट में लड़की की तस्वीर लगा दी गई है। ये तस्वीर मैट्रिक परीक्षा के सर्टिफिकेट में बदली गई है, जिसके बाद सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही फोन करके बात की। उन्होंने फोन कर कहा कि लड़का मेरे सामने है और इसके सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर लगा दी गई है, ये कैसे हो गया? बिहार बोर्ड वाले को बुलाते नहीं है, इस मामले को जरूर देखिए। बिहार में केंद्र की रैंकिंग प्रणाली को लेकर जताई आपत्ति। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने केंद्रीय सचिव हुकुम सिंह मीना को इस प्रणाली में बदलाव का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम में बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उसको महत्व नहीं दे रही है, इस मुद्दे को लेकर है। जिसके बाद जारी हुए सर्वे में राज्य की रैंकिंग के लिए जो मानक बनाए गए हैं उसमें बिहार को अंक बहुत ही कम मिले हैं। इसको लेकर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई थी। इसके बाद बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने केंद्रीय सचिव हुकुम सिंह मीना को इस प्रणाली में बदलाव करने का सुझाव दिया। गृहवार सर्वेक्षण कर विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की होगी पहचान। शिक्षक अब स्कूल से बाहर रहने वाले छात्र को अपने पोशाक क्षेत्र में ढूंढने का काम करेंगे, जो कि सरकार सर्वे करवाकर ऐसे छात्रों की पहचान करने वाली है, जिसको लेकर शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। जिसके परिणाम स्वरूप जिन बच्चों की उम्र 6 से 18 साल के बीच की है, वो अगर स्कूल के बाहर के हैं तो उनको चिन्हित किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 6 से 18 साल के स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उनके उम्र के अनुसार उनका नामांकन कराना है। इतना ही नहीं, विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों के सर्वेक्षण के लिए विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा विद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क का गठन भी किया जाएगा। डीआरआई ने करोड़ों के सोने के बिस्किट के साथ 3 को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत करोड़ों के सोने की बिस्किट के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार डीआरआई मुजफ्फरपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में सवार 3 व्यक्ति म्यांमार से तस्करी का सोना लेकर गुवाहाटी से बनारस वाया मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जिसके आधार पर डीआरआई मुजफ्फरपुर और कस्टम विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जिले के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के समीप छानबीन की और उन्हें धरपकड़ा। डीआरआई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 3 अभियुक्तों में 2 अभियुक्त उत्तर प्रदेश के और 1 अभियुक्त दिल्ली का रहने वाला है। प्रसार भारती नहीं कर रही है प्रसारण केंद्रों को बंद। हाल ही में ऐसी खबरें मीडिया में आई थी कि 31 अक्टूबर से प्रसार भारती के कई प्रसारण केंद्रों को बंद किया जाएगा। हालांकि प्रसार भारती ने ऐसी किसी भी खबर का खंडन किया है। इसको लेकर प्रसार भारती ने साफ किया है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों से अब एनालॉग तकनीक पर आधारित टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को हटाया जा रहा है, यानी कि देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसार
प्रसारक संस्थान प्रसार भारती ने भी आधुनिक तकनीक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और वो पुरानी पड़ चुकी एनालॉग टेक्नोलॉजी की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, प्रसार भारती ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछ स्थानों पर इस संबंध में गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है कि दूरदर्शन से जुड़ा कोई केंद्र बंद होने जा रहा है। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी वर्तमान दौर में अप्रचलित तकनीक है और इसका चरणबद्ध हटाया जाना सार्वजनिक और राष्ट्र के हित में है। दिल्ली में रोक के बावजूद भाजपा मनाएगी छठ। दिल्ली में छठ पर्व के त्योहार को लेकर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसको लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि भाजपा किसी भी हाल में छठ मनाएगी ही। इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के विरोध में आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें पूर्वांचल और छठ समितियों से जुड़े लोग शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर भाजपा की तरफ से दिल्ली सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए सुबह तक का समय दिया गया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की वापसी के कारण मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। इस दौरान हवाएं भी रुक रुक कर चल रही हैं। दिन की शुरुआत धुंध के साथ हो रही है, तो वहीं दिन के चढ़ते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। हालांकि सुबह और शाम के मौसम में थोड़ी राहत जरूर है। बारिश की बात करें तो राज्य में बारिश पूरी तरह से ठप हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। वहीं तापमान की बात की जाए तो मॉनसून की वापसी के साथ ही दिन और रात का तापमान लगभग सामान्य और स्थिर है। वातावरण में आर्द्रता 75 से 80% के बीच रिकॉर्ड की गई है। एडीजी ने वर्दीधारियों पर हमला करने वालों को दी नसीहत। बिहार में अपराधियों का उदंडपना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि जहां एक तरफ असामाजिक तत्वों ने आम लोगों का जीना तो मुहाल कर ही दिया है, अब इन तत्वों ने वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को भी निशाने पर लेने का काम किया है, जिसके बाद अब एडीजी ने ऐसे लोगों को सख्त हिदायत दी है। ज्ञात हो बालू माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाली पुलिस पर हमले की कई खबरें अब तक सामने आई हैं, जिसके तहत बालू माफियाओं द्वारा करीब आधा दर्जन सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की खबर आई है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी और कर्मी भी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। अब इन मामलों को लेकर एडीजी ने साफ कहा है कि अपराधी की गिरफ्तारी करने गई टीम पर उपद्रवी तत्व हमला करते हैं, इसलिए जब पुलिस ऐसे ऑपरेशन में जाती है तो विशेष चौकसी बरतने की जरूरत है। टीम पूरी तैयारी से मौके पर जाए, अगर समझाने पर भी उपद्रवी नहीं माने तो गंभीर धाराओं से कांड दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। जातिगत जनगणना को लेकर उपचुनाव के बाद होगा निर्णय। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से न मिलने के साथ ही बिहार में विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना करवाने की मांग हो रही है। इसको लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यदि हम लोगों को कराना होगा तो बैठक करके बात करेंगे कि किस तरह से करवाएंगे, ये ठीक ढंग से होना चाहिए। यदि जनसंख्या के साथ किया जाता है तो अच्छी रिपोर्ट आती है। उन्होंने कहा कि जातियों में उपजाति पहले से है, उन्हें मेहनत करके गिन लेना है, तभी तो आप जान पाएंगे कि किन की कितनी संख्या है और किन के लिए अच्छे ढंग से काम किया जाए, ताकि समाज का हर तबका आगे की ओर बढ़े। नवरात्रि में 3 दिनों तक पटना के कई इलाकों में नहीं चलेंगे बड़े वाहन। जितनी जल्दी नवरात्र की शुरुआत हुई थी उतनी ही जल्दी अब ये अपने समापन की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसे में इस बार पंडालों की धूम भी बिहार में देखने को मिलने वाली है, जिससे एक बात तो साफ है कि पंडालों का आयोजन अगर होगा तो भीड़ का लगना लाजमी है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पटना के कई इलाकों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत दशहरा पर्व को लेकर यातायात पुलिस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आगामी 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पटना शहर के कई इलाकों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं वाहनों की आवाजाही के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ओसामा की शादी में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी। बीते दिन बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का निकाह हुआ। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव निकाह का हिस्सा बनने पहुंचे थे। ज्ञात हो ओसामा का निकाह को लेकर के सिवान शहर के तिलहट्टा बाजार स्थित सिराजुलूम मदरसे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनकी शादी जीरादेई प्रखंड के चांदपाली में हुई है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब और मोहम्मद आफताब की पुत्री की शादी दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुत पहले ही तय कर दी थी और उसी से ओसामा की शादी हुई है। ओसामा शहाब के होने वाले ससुर मोहम्मद आफताब आलम दुबई में एक बैंक के मैनेजर है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर है। आयशा ने लखनऊ में ही डॉक्टरी की पढ़ाई की है। तेज प्रताप यादव ने भाई से लड़ाई नहीं होने की कही बात। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर दोनों में से किसी भी भाई ने खुलकर मतभेद होने की बात नहीं कही है, लेकिन समय समय पर बिना नाम लिए दोनों एक दूसरे पर निशाना जरूर साधते ही रहे। इसी कड़ी में लंबे समय के बाद तेज प्रताप यादव को लेकर जहां तेजस्वी ने अपना बयान पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भाई से कोई भी लड़ाई नहीं होने की बात कही है। ज्ञात हो बीते दिन जनशक्ति यात्रा के दौरान जेपी गोलंबर से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ
तेज प्रताप यादव नंगे पैर चरखा समिति पहुंचे थे। इस दौरान ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के तहत साफ कहा कि उनके भाई के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। मीडिया के द्वारा उत्पन्न की गई साजिश का यह नतीजा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैरिबियन के एक द्वीप पर लैंडफॉल आज के दिन बनाया था, जिसे अमेरिका के यूरोपीय उपनिवेशीकरण की वजह से घटना की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। 1711 में कैरेल छठी हेंसबर्ग रोमन कैथोलिक सम्राट का ताज पहनाया गया था। 2008 में केरल की एक नन अल्फोंसा रोमन कैथोलिक चर्च की पहली महिला संत बनकर एक मिसाल आज के दिन उन्होंने पेश किया था। पहली क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुयायी पेरिन बेन का जन्म 1888 में आज के दिन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 1967 में आज के दिन हुआ था। विश्व कप में अब टीम इंडिया 15 अक्टूबर तक कर सकती है बदलाव। आईपीएल के ठीक दो दिन बाद आईसीसी टी20 विश्व कप का खेला जाना है और 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले इस मेगा टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन मुकाबला ओमान और यूएई में खेले जाएंगे। सभी देशों ने अपने अपने टीमों का ऐलान कर दिया है। भारत ने भी अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान तो कर दिया है, जबकि 3 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। भारत ने बेहद संतुलित टीम का चयन किया है और दिलचस्प बात यह है कि आगामी टी20 विश्व कप में भारत के पूर्व कप्तान दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी भी टीम में जुड़ेंगे। टी20 विश्व कप 2021 में धोनी भारतीय टीम के मेंटोर की भूमिका निभा रहे होंगे। भारत इस बार खिताब का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। इसके साथ ही आगामी टी20 विश्व कप के लिए टीम में बदलाव करने की समय सीमा को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह 10 अक्टूबर ही थी, जो कि अब 15 अक्टूबर तक कर दी गई है, यानी कि अब देश को अपनी टीम में 15 अक्टूबर तक फेरबदल करने का अधिकार होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,170 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर था। उपचुनाव को लेकर 22 अक्टूबर को पटना आएंगे कन्हैया। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में तैयारियों का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच बिहार विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के दोनों ही दलों ने उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने कन्हैया कुमार मैदान में उतरने वाले हैं। इसको लेकर वो 22 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आनंद माधव ने अपना बयान जारी किया है और कहा कि राजद को गठबंधन धर्म का सम्मान करना चाहिए। इस उपचुनाव के परिणाम आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय कर देगा। कुशेश्वर स्थान के गांव में घूम घूम कर हमने लोगों से बातचीत की है, वहां स्वर्गीय हजारी का पुत्र खड़े हो रहे हैं, पर उनकी छवि अच्छी नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलना निश्चित है। कन्हैया कुमार युवा नेता है और दोनों जगह हमारे उम्मीदवार भी युवा हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मनीष मोहरा, एम के यादव, गौतम कुमार, सतीश आजाद, विद्यासागर, बबीता यादव, नवीन कुमार, रोहित कुमार, सरवन झा, सौरशिया अनन्या, शंकर मुखिया, इंदु देवी, विकास कुमार सिंह, अरविंद कुमार, रवि पासवान, सुनील कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार घूमने के लिहाज से बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा रमणीय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।